आज चैप्टर नंबर 16 सुखनों का बालपन। ये एक महाराष्ट्र के लेखक है जिसका पूरा नाम है दैट इज पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। शॉर्ट नेम आपके सामने यहाँ पर बताया गया दैट इज पू ल देश पांडे। महाराष्ट्र के लेखक होने के कारण से एक मराठी लेखक है, मराठी भाषा में लिखा हुआ है। एंड बहुत ही सही बात यहाँ पर बताई गई है कि सुखनो साचो समय एटले बालपण, सुखनो का एटले बालपण, सुख यानी बालपण। जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो युवावस्था में हो चाहे वृद्धावस्था में हो, उसको पूछेंगे सुख के डेफिनेशन क्या है तो शायद तक कहीं ना कहीं गोल घूम के वो बचपन के पास ही आके रुक जाती है। वो बचपन में जब हम मित्रों के साथ घूमते थे, फिरते थे, साथ में बैठ के नाश्ता करते थे, तब ये हमें पता नहीं था कि हमने कैसे कपड़े पहने और किस कपड़े में अच्छे लगते हैं, हम किसके साथ बैठ के कैसा टेस्ट वाला खाना खा रहे नहीं देख रहे थे, पर हाँ हर एक की माता का स्वाद पहचानने की हमारे अंदर कैपेसिटी थी। वो पढ़ना, वो लिखना, उस वक्त कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है पता नहीं चलता था, पर हाँ कौन हमें मीठी स्माइल देता था ये ज़रूर पता चल जाता था। और इसी कारण से हमारा ये दोस्ती के ऊपर, बचपन के ऊपर ये खूबसूरत सा चैप्टर जो हमें पूल देश पांडे ने, यानी कि पुरुषोत्तम देश पांडे जी ने हमें यहाँ पर बताया है। बचपन के वो जो स्कूल के अंदर पढ़ते थे, वहाँ पर जब उसके टीचर उन सब के बीच में जो नीचे बैठ के पढ़ाते थे, आज हमें वो एसी वाले कमरे में अच्छे पंखे, ट्यूबलाइट और बेंच के ऊपर बैठ के भी वो खुशियाँ नहीं मिलती जो यहाँ पर हम बहुत ही आसानी से विश्व संस्कार प्राप्त कर लेते थे। बचपन की कुछ बातें उसने यहाँ पर रखी है कि सुख का काल कैसे अच्छा हो सकता था। उसने बताया कि जो निशाल न हो तो शायद अच्छा होता। रजा फरज जात और शिक्षण मरज जात। फरज जात का मतलब कंपलसरी और मरज जात मतलब सब्सिडरी। अगर रजा हो, फरज जात और शिक्षण मरज जात हो तो कैसा होता। केरी पीली क्यों होती है ये भी उसको कभी कभी समझ में नहीं आता था, पर यह समझाया जाता तो नाड़ी में मीठू पानी कौन रेड़ी जाए छे। अने इमली यानी कि जो आमली है उसके अंदर जो सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें होती है जिसको हम खाते बहुत प्यार से, इसके अंदर खट्टी चीज को इतने ऊंचे पेड़ पर कौन तैयार करता होगा। रोज प्रार्थना करने के बाद भी स्कूल के अंदर मेरे गणित के अंदर मार्क्स क्यों कम आ जाते हैं, और भगवान तू इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और फिर भी तू गणित में मने ओछा मार्क्स आपे छे। गणित में मौखिक जा रहे यानी कि ओरल एग्जाम आए तो प्लीज भगवान तू मुझे कान में आके एक आध आंसर जरूर बता देना। और साथ साथ में ये भी होता था कि जो आखो दिवस हूँ गीत गाया करूँ तो वांधो शूँ छे। इस तरह से बचपन की काफ़ी सारी बातें लेखक को ऐसा लगता था कि मेरे लिए संडे कैसा होना चाहिए, जैसे आज हमारा है तो कि मंडे से लेकर सैटरडे संडे होना चाहिए और संडे एक ही दिन मंडे यानी कि वर्किंग डे होना चाहिए। मैस तो होना ही नहीं चाहिए। कोकोनट में पानी कहाँ से आता है ये हमें जानकारी अगर एजुकेशन में देते तो शायद हम ज़्यादा और अच्छी तरह से पढ़ पाते। लेखक के बचपन में कुछ मित्र थे जिसका नाम था विनायक देसाई, दीनू और मोहन वागले, और साथ में हमारे इस लेखक जिसका नाम है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे हमें आज का ये चैप्टर समझा रहे हैं। समझाते हैं तो शुरुआत करते भगवान के पास से। लेखक मुंबई में जोगेश्वरी एरिया में रहते थे। पढ़ने में थोड़े वीक थे, वीक तो नहीं थे पर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। जोगेश्वरी एरिया में हर रोज वो रामेश्वर मंदिर है वहाँ पर जाते, वहाँ पर जाके हर रोज दंडवत प्रणाम करते, बेल भी बजाते और भगवान को हमेशा बोलते कि जो भगवान हूँ रामेश्वरी मंदिर में घंटड़ी वगाड़ू छू, भगवान तारू ध्यान पण खेचू छू, साष्टांग दंडवत प्रणाम पण करू छू, भगवान प्लीज मने गणित में पास करी आपजे, मारी जे पुरवणी आवे ने सप्लीमेंट्री एनी पर शाय नहीं ढोड़ावा देतो, बस ये एक ही उसकी विनती। वो और उसके सारे मित्र हमेशा करते रहते थे और हमेशा बोलते रहते थे कि भगवान हमें ज़रूर मदद करना परीक्षा के टाइम के अंदर। ये हमारे सामने है दैट इज पूल देश पांडे। कुछ जानकारी हम उसकी लेते हैं। पूल देश पांडे पूरा नाम है दैट इज पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे, उपनाम है आनंद यात्री। मराठी साहित्य के अंदर काफ़ी सारे जाने पहचाने लेखक हैं। इसके अलावा उसने हास्यकार, नाट्यकार, फिल्म निर्माता, मूवी काफ़ी अच्छी बनाई,
सामाजिक सोशल वर्कर थे और साथ में एक बहुत ही अच्छे स्पीच देने वाले का वक्ता भी थे। व्यक्ति चित्रमा देना पुस्तक को व्यक्ति के हिसाब से उसने एक बहुत ही अच्छी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था व्यक्ति आणि बलिने। इस पुस्तक को ध्यान में रखकर 1965 के अंदर महाराष्ट्र सरकार ने उसको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया। पर ये हमारे एक अच्छे सोशल वर्कर थे, एक वक्ता थे, उसको लगा कि ये सारी चीज़ों पर मेरा नहीं हक होना चाहिए। इसके कारण से पुरस्कार में जितनी भी धनराशि प्राप्त हुई वो बॉम्बे में आई हुई एशियाटिक सोसाइटी को उसने दान कर दी। और इस तरह से बचपन के वो दिन, किस तरह से उसके अंदर संस्कार, कितने अच्छे गुण आए, उसके बारे में आज हमें अनुवादक अरुणा जाडेजा गुजराती के अंदर बता रहे हैं। बचपन की जो यादें होती है, ऐसे जो चैप्टर या लेटर या जो भी स्टोरी लिखी जाती है उसको हमेशा संस्मरण, स्मरण का मतलब तो याद, और संस्मरण मतलब अच्छी याद। तो संस्मरण कथा सुखनों का बालपणों आज हम आपके साथ शुरू करते हैं। पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। जो निशाण न होत तो बधाज आपणी माटे सारा दिवसो होत अने सुखनो काळ होत। રજાઓ ફરજિયાત અને શિક્ષણ મરજિયાત હોવી જોઈએ, એનો અર્થ એવો જરાય નથી કે મને ભણવામાં હોશ નહોતી, પણ હા, હંમેશા હું વિચારતો કે કેરી પીળી કઈ રીતે આવે થાય છે, નાળીમાં મીઠું પાણી કેવી રીતે આવી જાય છે, ઘર ભરેલી આંબલી ઝાડ પર જ કેવી રીતે તૈયાર થાય છે, જો આખો દિવસ આપણે ગીતો ગાતા રહીએ તો શું થાય, આવું શિક્ષણ આપવાનું છોડીને જો બીજા વિષયો ભણવામાં આવે તો, રોજ પ્રાર્થના કરવા છતાં પણ ભગવાન મારી માટે ગણિતમાં માર્ક્સ ઓછા કેમ આપે છે, ભગવાન તું આટલો ક્રૂર કેમ છે, આ સવાલના જવાબ મને નિશાળમાં ક્યારેય મળ્યા નહોતા। એવું વળી ઠીક ઠીક હતું કે મારા બાળપણમાં જૂનું ગણિત જે હતું એ સમયે થોડું ઘણું મને આવડતું, પણ જૂના ગણિતની અંદર મૌખિક હિસાબો આપવા પડતા અને એ સમયે લાગતું કે ભગવાન જો મારા મૌખિક હિસાબના જવાબ મને કાનમાં આવીને ડિરેક્ટથી કહી જાય તો તને શું વાંધો હશે। મારા વર્ગમાં મારા મિત્રો હતા વિનાયક દેસાઈ, દીનુ અને મોહન વાગલે। એ તો ચોક્કસ જવાબ નહીં આપી શકતા હોય એ હકીકત મને ખબર છે, અને એટલા માટે જ તમે ત્રણેય જોગેશ્વરીમાં આવેલ રામેશ્વર મંદિરમાં જતા ઘંટ વગાડી ભગવાનને બરાબર ધ્યાન ખેંચે એ રીતે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરીએ અને કહેતા કે ભગવાન મને ગણિતમાં પાસ કર, પુરવણી પર શાહી ઢોળાવા દેશ નહીં, એવી અમે માંગણી કરતા અને આવું અમારો